व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BMC एयर फिल्टर के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने बाइक में BMC का एयर फिल्टर डाला है। अभी 15 दिन हो गए मैं चला रहा हूँ आफ्टर इंस्टॉलिंग द BMC एयर फिल्टर। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बाइक में एयर फिल्टर डालना चाहते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एंड ऑल, ओनली द एयर फिल्टर। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस के बारे में बात करूँगा आफ्टर इंस्टॉलिंग द BMC। लोग बोलते हैं कि एयर फिल्टर डालने से बाइक में काफ़ी ज़्यादा पावर आपको मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सिर्फ एयर फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हो अपने बाइक में तो आपको उतना कुछ पावर में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो एयर इनटेक है इंजन में वो बढ़ जाता है। सो स्लाइटली आपको थोड़ा पिकअप में डिफरेंस मिलेगा, पावर में उतना कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल यू इंस्टॉल अ परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग इन योर बाइक एंड द फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। उसके बाद थोड़ा सा आपको पावर में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, वो भी मॉडिफिकेशन मैं अपने बाइक में अभी करने वाला हूँ 1-2 महीने में। सो एक पूरा डिटेल्ड वीडियो उसके बाद मैं इस पर बनाऊँगा। फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने बाइक में सिर्फ एयर फिल्टर डालना चाहता है। सो ये डिफरेंस मैंने अपने बाइक में फेस किया। अभी एयर फिल्टर इंस्टॉल करके अभी 15-20 दिन से मैं बाइक चला रहा हूँ। सो लोग बोलते हैं कि माइलेज आपको ज़्यादा मिलता है एयर फिल्टर डालने से। सो मेरा केस में मुझे माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप फील हुआ, आई डोंट नो व्हाई। दिस इज़ अ फ्यूल इंजेक्टेड बाइक। मैंने रिसर्च किया था, जब आप इस पर एयर फिल्टर डालते हो तो ये फ्यूलिंग अपने आप एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इन माई केस मुझे थोड़ा सा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा लग रही है बाइक में अभी। दिस इज़ माई डेली रूटीन बाइक, मुझे मालूम है ये पेट्रोल कितना लेती थी पहले, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलिंग द BMC थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल पी रही है बाइक। तो जब से मैंने बाइक लिया था तब से मैं यमा ल्यूब का इंजन ऑयल डाल रहा था एंड एयर फिल्टर वॉज स्टॉक ओनली। अभी मैंने डाला है मोटुल का 10W40 इंजन ऑयल और उसके साथ BMC। सो बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिफाइंड हो गया है, लाइक स्लाइटली जो डिफरेंस मुझे फील हो रहा है। एंड यहाँ से लेके वो स्ट्रेच तक हम लोग 0-100 और 120 करके देख लेंगे, तो रफली आइडिया मिलेगा कि बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। नथिंग इज़ ये वाला BMC एयर फिल्टर अपने R15 में डालने से आपको आवाज़ में उतना कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा। एज यू कैन सी द एग्जॉस्ट नोट, इट इज़ लाइक अ स्टॉक ओनली। आवाज़ में तो कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग वो KNN का कोन वाला फ़िल्टर अपने बाइक में डालते हैं, सो उसमें आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। आई डोंट फील दैट कोन वाला एयर फिल्टर इज़ सेफ़ फॉर योर बाइक, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर इनटेक बढ़ता है अपने बाइक में, सो डस्ट भी जाने का चांसेस बहुत रहता है इंजन में। सो आई वोंट रिकमेंड दैट। सो दिस एयर फिल्टर विल बी बेस्ट फॉर योर बाइक। सो लेट्स डू अ क्विक 0-120। सो या ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इफ़ यू इंस्टॉल द BMC एयर फिल्टर ऑन योर R15। अभी बाइक का मुझे टॉप एंड एक बार चेक करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसको भगाया था तो लास्ट 144 पे बाइक लॉक हो गई थी। एंड अभी डिफरेंस मुझे देखना है, टॉप एंड वीडियो इसके बाद शायद आ सकता है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब किए भी ना चले जाते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे। एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर द टॉप एंड वीडियो, इसके बाद आएगा वो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।